दोस्तों, आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, क्योंकि जो मैंने एक वीडियो बनाया था वो काम के बारे में, पांच काम मैंने बताया था कि ये पांच कामों में आना चाहिए सऊदी अरब में। उस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा कमेंट आया है तो वो कमेंट आया है आज़ाद वीसा के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूँ कि आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि सऊदी अरब में या सऊदी अरबिया में आज़ाद वीज़ा में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और आज़ाद वीज़ा कहता है किसको है, और आज़ाद वीज़ा क्या होता है। तो आज मैं पूरे फुल डिटेल में, फुल तरीके से इस वीडियो के मार्फत से मैं आप लोगों को यही आप लोगों को बताने वाला हूं कि आज़ाद वीज़ा में वाकई में आज़ाद वीज़ा होता है या नहीं होता है, या लोगों ने बना रखा है। तो ये सारा चीज़ आप लोगों को मैं इस वीडियो के मार्फत से बताने वाला हूँ। तो चलिए, आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों को आपके कमेंट का, आपका सवालों का जवाब मिल सके। और हाँ, आप लोगों को मैं ये बता दूं कि अगर आप सऊदी आना चाहते हैं तो मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि आप लोगों को मैं सऊदी से रिलेटेड आप लोगों को मैं कुछ ना कुछ काम के सिलसिले में या काम के बारे में बताता रहता हूँ कि किस काम में क्या सैलरी है, किस काम में आना चाहिए, नहीं चाहिए आना चाहिए। तो ये सारा चीज़ आप लोगों को मैं बताता रहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम सद्दाम है और आप देख रहे हैं भाई सद्दाम यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। तो दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ और काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मुझे वीडियो बनाने का जो है मौका नहीं मिल रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था, वक्त नहीं मिल रहा था। इसीलिए मैं इस बीच में जो है स्टॉप कर रखा था, मैं वीडियो नहीं ला रहा था, नहीं बना रहा था। क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं, जहां मैं हूं और जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, वहाँ जो है मुझे जगह नहीं है, वैसा जगह नहीं है कि मैं वहाँ वीडियो शूट कर सकूँ, वीडियो बना सकूँ। क्योंकि जो भी रूम है उस रूम में सारे बंदे लोग रहते हैं, तो वहाँ जगह नहीं है, और कहीं बाहर हिस्सा में नहीं है बनाने का जगह। तो मैं बाहर ही, मैं कहीं जगह ढूंढ के बाहर आता हूँ तो मैं वीडियो बनाता हूँ। और इस बीच में अभी महीना दो महीना की बात मैं बता दूँ कि जो है काफ़ी मैं बिजी भी था और वीडियो मैं बना नहीं पा रहा था। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि सबसे पहले खुश इसलिए हूँ, जो खुशी की बात मैंने बताया हूँ शुरू में, जो खुश किस लिए हूँ, तो खुश इसलिए हूँ कि मेरा जो है 3K यानी कि 3K मेरा सब्सक्राइबर हो गया है, और साथ ही साथ मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आप लोगों को मैं बता दूँ कि आप लोग जो मुझे प्यार और दुलार और सपोर्ट दिए हैं, तो आप लोगों से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो आप लोग इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें और मुझे जो है आगे बढ़ने का मौका दे, ताकि कोई भी गरीब आदमी जो है आगे बढ़ने का उसका चांस मिले, उसको जो है आगे से आगे जो है बढ़ाने के आप लोग काम करेंगे तो जो है हमें ज़्यादा ज़्यादा हौसला बढ़ेगा। तो आप लोग का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया है भाई, और बहुत ज़्यादा आप लोग जो हमें सपोर्ट किए हैं, तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप लोग का। और इंशाल्लाह आप लोगों से मैं यही दुआ करूँगा कि आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाए। तो चलिए मैं आप काम की बातें बताता हूँ, जो मैंने बोला हूँ कि आज़ाद वीज़ा क्या होता है और आज़ाद वीज़ा में लोगों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूँ कि आज़ाद वीज़ा कहता किसको है। सबसे पहले आप लोगों को ये समझा देता हूँ, आज़ाद वीज़ा देखिए, आज़ाद वीज़ा कोई वाकई में होता नहीं है। आज़ाद वीज़ा जो होता है वो लोगों ने अपना, इंडिया के लोग, पाकिस्तान के लोग, बांग्लादेश, नेपाल के ये लोग जो है अपनी जुबानी, ये अपनी भाषा, नॉर्मल भाषा में जो है एक नाम रख रखा है कि आज़ाद वीज़ा में। आज़ाद वीज़ा में जैसे आते हैं सऊदी में तो जो है वो फ्री होता है, जैसे मैं कहीं भी ना कंपनी ना कफील या ना ही किसी के अंदर में वो काम करता हुआ, आज़ाद वीज़ा में बाहर वो अपना काम करता है। तो आप लोगों को मैं समझा दूँ कि ये आज़ाद वीज़ा होता नहीं है, क्योंकि आज़ाद वीज़ा का यहाँ कोई नामो निशान नहीं है। आज़ाद वीज़ा जो है वाकई में लोग बना रखा है अपने बातों से, और आज़ाद वीज़ा जो है ये यहाँ लीगल नहीं है, अनलीगल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कानून अपराध है ये चीज़ों का। अगर आप मान लीजिए आज़ाद वीज़ा जो लोग बना रखे हैं, अपने भाषा में बोलते हैं आज़ाद वीज़ा में, तो होता क्या है कि देखिए, आज़ाद वीज़ा अगर एजेंट के द्वारा, आप ऑफिस वाला के द्वारा आएँगे, तो वो एजेंट जो है किसी एक कफील सऊदी को उससे जो है वीज़ा लेता है, और उस वीज़ा को जो है 5000-6000 रियाल में तय करता है।
और 5-6 हज़ार रियाल को जो वीज़ा देता है जो कफ़ील, तो वो चीज़ जो है ना आपको एजेंट और ऑफिस वाला कह के भेज देता है कि भाई मैं आपको आज़ाद वीज़ा में भेज रहा हूँ, या फिर आप अपने कोई जान पहचान वाले से लिए वीज़ा जो आपके खुद पहले से कोई आपका दोस्त या कोई रिश्तेदार या कोई बंदा आपका है सऊदी अरब में, आप उसको बोले कि भाई मेरे लिए आज़ाद वीज़ा बता दो, तो वो बंदा क्या करता है उसी तरह से सेम कोई कफ़ील या कोई सऊदी को पकड़ता है जिससे बातचीत उससे जान पहचान रहता है, तो उसको बोलता है कि भाई एक आज़ाद वीज़ा निकाल दे, एक वीज़ा निकाल दे, ठीक है। तो वो वीज़ा जो है ज़्यादा करके सवखास या अमल मंजिली का वीज़ा निकाल देता है, उसका जो है एकामा सस्ता पड़ता है, 1 साल का 600-500 रियाल का पड़ता है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें रिक्स है, उसमें अगर आते हैं तो रिक्स है भाई, उसमें ज़्यादा करके यहाँ जो है लोगों इस तरह से जो काम करते हैं जिसको आज़ाद वीज़ा करके आते हैं काम करते हैं, तो उसमें जो है ना ज़्यादा करके आपको सवा खास का वीज़ा मिलेगा, और वो चोरी छुप के अंडरग्राउंड काम करते हैं, लेकिन उसको काफ़ी 24 घंटा डर रहता है, जिस टाइम अगर वो पकड़ा जाए और पकड़ा जाएगा तो उसको सीधा डिपोर्ट करके उसको मुल्क भेज देगा पुलिस वाले यहाँ का, क्योंकि वो गैर कानूनी है उस तरह से करना। और आपको मैं बता दूँ एक आदि का वीज़ा होता है, उस तरह का भी वीज़ा है, तो वो ज़्यादा महंगा एकामा 1500-2000 से का एकामा बनता है, तो वो अगर आपका कफ़ील से ज़्यादा ताल्लुक इत्तफाक है तो आपको जो है वो अगर रिस्क ले रहा है कि हाँ भाई तुम काम करो बाहर, तो आपको सारा चीज़ एक आईडी भी साथ में, एकामा तो बना के देगा ही, वो भी आपका ही पैसा से बनेगा, लेकिन साथ में जो है आपको एक आईडी भी बना करके देगा। उसके बाद आप काम करेंगे तो आप कमा करके उसमें जो है आपको कफ़ील को देना पड़ेगा, एकामा का पैसा देना पड़ेगा, रूम का पैसा देना पड़ेगा, ये सारा चीज़ आपका ही खर्चा रहेगा, क्योंकि आज़ाद में इसी तरह से होता है। और कफ़ील को जो सऊदी जिसको सऊदी यहाँ कफ़ील बोलते हैं, कफ़ील को अगर आप तय करेंगे कि भाई महीना में लोगे या साल में लोगे, तो महीना का अगर आप क्योंकि बात करेंगे तो तकरीबन तकरीबन 500-600 या 1 हज़ार के बात करेंगे कि मैं महीना में दूंगा, या नहीं तो फिर आप साल में ही बात करेंगे कि मैं साल में 2000 या 3000 रियाल आपको दूंगा, तो अगर मान जाता है तो इस तरह से आप काम करके आप कफ़ील को देंगे, तो ये होता है आज़ाद का, ठीक है। और आप लोग को मैं बता दूँ कि इस वीज़ा में सॉरी इस आज़ाद वीज़ा में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो मेरे कहने का मतलब और मेरे से पूछोगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नहीं आओगे तो बेहतर है, क्यों? क्योंकि भाई इस तरह के मामलात मैंने देखा है, आंखों देखा। अभी मेरे जान पहचान का दो बंदे आया है, तो एक बंदे तो जो है काम कर रहा है और एक बंदे इधर उधर घूम रहा है, काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। आज़ाद वीज़ा में जो पहले जो था और पहले जो माहौल था, जो है पैसा कमाया है बाहर कंट्री वाले, बाहर के लोगों भी अजनबी लोगों भी पैसा अच्छा खासा कमाया है, और सऊदी लोग भी बहुत काफ़ी ज़्यादा खुश था, और उतनी नियम कानून जो है बहुत ज़्यादा नहीं था, तो बहुत ज़्यादा इसमें यहाँ लोग आज़ाद वीज़ा में पेंटर लोग है ना, मेसन लोग जो है बहुत में से ऐसे ट्रेड वाले ज़्यादा करके आया था, काम करके पैसा अच्छा खासा कमा करके चला गया। इसीलिए मैं कहूँगा कि भाई आप लोग अगर आज़ाद के चक्कर में पड़ते हो तो आज़ाद में मत आओ, अगर आते भी हो तो अच्छे खासे नॉलेज है और आपका यहाँ कोई रिश्तेदार है तो तब आओ, वो काम लगाने का रिस्क लेता है। और प्लस आप लोग को मैं बता दूं कि वो सारा चीज़ जो है आपको काम लगवा देगा, रूम वगैरह सारा चीज़ मेंटेनेंस करके देगा, तब आप आओ और काम करो, हुनर है तब उस वीज़ा पे, नहीं तो नहीं आओ, कंपनी में आओ, कंपनी में बेहतर है, कंपनी में कोई टेंशन नहीं रहेगा आपको, नहीं रूम का, नहीं खाना का, नहीं काम का, नहीं सैलरी का, किसी चीज़ का टेंशन नहीं होगा। तो ज़्यादा करके जो है ना अभी ये कंपनी में लोग आते हैं तो उसमें कोई आदमी को टेंशन नहीं होता, बेफिक्र रहता है, तो आप लोगों को मैं यही कहूँगा कंपनी में आओ। अगर आज़ाद में आते हैं तो आज़ाद में जो है इसी तरह से जो मैंने आपको बताया हूँ तो उसी तरह से सारा चीज़ जिम्मेदारी लेना पड़ेगा और सारा चीज़ आप खुद से करना पड़ेगा। और आप लोगों को मैं बता दूँ कुछ साल पहले की बात है, एक लड़का को मैंने खुद सऊदी बुलवाया था एक ऑफिस से, जो मेरे दोस्त का ऑफिस है दिल्ली में, उस ऑफिस से मैंने काम करवाया था, तो वो आ करके कंपनी में अच्छा खासा पैसा कमा करके गया, यहाँ तक कि अपने बहन सिस्टर सबके शादी भी किया और बाइक वगैरह भी ख़रीदा। उसके बाद उसके दिमाग में क्या सोच आया तो वो हम लोगों को कुछ नहीं बताया और नहीं जो है कहा कि भाई सद्दाम भाई कि मैं इस वीज़ा में जा रहा हूँ या इस वीज़ा में लगाना चाहता हूँ, तो वो चुपके से पता नहीं किस ऑफिस से जो है आज़ाद वीज़ा ले लिया और आज़ाद वीज़ा में सऊदी आया। तो भाई उसके साथ क्या कांड हुआ पता है
आया, महीना दो महीना भटकता रहा बिना खाना पानी के। कोई आदमी उसको पूछने वाला नहीं था कि भाई खाना खाया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं पिया। ऐसा हालात हो गया था, ऐसा परेशानी उसको आ गया था कि मैं क्या ही बताऊं। बहुत ज़्यादा जो है वो टूट गया था यहाँ आज़ाद वीज़ा में। फिर बाद में जब हमें मालूम चला, उसके घर वाले हमसे कॉन्टेक्ट किया, तब बताया कि भाई मेरा लड़का जो है इस वीज़ा में गया था। तो मैं बोला क्या फ़ायदा उस वीज़ा में जाने के, उसको कोई इलम था या उस कोई आदमी से सऊदी अरब में जो रहता है उससे कॉन्टेक्ट था या कॉन्टेक्ट किया था? तो बताया नहीं, डायरेक्टली अपनी मर्ज़ी से गया। उसको लास्ट में क्या ऑप्शन आया और क्या जो है वैसा माहौल उसका बन गया कि लास्ट में फिनिश गया हो, खुरुच गया, जाना पड़ा उसको, समझ गए? तो इसलिए मैं हालात उस चीज़ों के मैंने कई बंदों के देखा हूँ भाई, तभी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आज़ाद वीज़ा में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है लोगों तक, और मेरे वीडियो के एक लाइक भी कर देना, क्योंकि लाइक करते हैं तो मुझे हौसला जो है बुलंद होता है कि हाँ भाई मेरा वीडियो जो है लोगों तक पहुँच रहा है और मेरा वीडियो लोग पसंद करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी को दबा देना। आज के वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।